सिर्फ आप देख रही है सत्य आज तक। रोजाना भिवंडी शहर के कोने कोने से राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष आसिफ खान से सैकड़ों की तादाद में नौजवान युवा पार्टी में प्रवेश हो रहे हैं। इस मौके पर भिवंडी शहर महासचिव सुल्तान सिद्दीकी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तौसीफ अंसारी मौजूद रहे। साथ में ही आसिफ खान ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए निशान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप खुद मतलब जो है डेली बाई डेली आप खुद चीज़ देखते हुए आ रहे हैं, और इससे पहले भी मतलब जो आपने न्यूज़ लगाया था उसमें भी आपने देखा था कि कितने युवाओं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय श्री शरद पवार साहब के विचारधारा को अपनाते हुए पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आज बहुजन विकास अघाड़ी को छोड़ते हुए आज हमारे पार्टी में मुश्ताक अहमद ने प्रवेश किया है। पवार साहब के विचारधारा को देखते हुए आज हमारे पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। शहर के जो युवा है, आज जो शहर में जो मुद्दा है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री महबूब शेख साहब ने बताया था कि वाटर गटर मीटर जो यहाँ का एक अहम मसला है उसके ऊपर हम बहुत तेज़ी से मतलब मेहनत कर रहे हैं, और जल्द ही मतलब ये युवाओं में जो एक बड़ा मतलब जो एक अहम मुद्दा जो पाया जा रहा है, एक यहाँ पे बहुत बड़ी तकलीफ है कि युवाओं को देखने वाली कोई भी पार्टी नहीं है। आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवाओं को लेकर के कंधे से कंधा हाथ में हाथ डाल करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर में काम कर रही है। IGM हॉस्पिटल जो कि ये बहुत बड़ा मसला है, और इसके पीछे कितने NGO और जो है कितने पार्टी वाले हमारे ईस्ट के MLA रईस शेख साहब भी उसमें उस मुद्दे पर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे ऐसा देखते हुए देखा जा रहा है कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इस चीज़ को देखते हुए हम एक हफ्ता पहले ही हमारे राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर इस मुद्दे पर काम कर रही है, और अभी तक वहाँ पर जो जानकारी हमको हासिल हुई है उस पर हमारी स्टडी और उसके ऊपर हमारा काम चालू है। जल्द ही हम जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और स्वास्थ्य मंत्री है उनसे हम जल्दी मिल करके इस समस्या को उनके सामने रख करके और जल्द से जल्द यहाँ पे जो है निवारण इस समस्या को करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप देख रही है सत्य आज तक।